नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया के देश अपनी अपनी बातें रखते हैं। भारत ने भी चीन के बीजिंग में हुई यूएन की बैठक में यही किया, जब उसने इस मंच से विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को खूब लताड़ा। जिस वक्त भारतीय राजनयिक चीन का विरोध जता ही रही थी, वहां पर संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल लियू झेनमिन बैठे थे, जो चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। लेकिन भारतीय राजनयिक चीन के प्रोजेक्ट का विरोध जता ही रही थी कि अचानक माइक ही बंद हो गया, जिससे माइक में खराबी सवालों के घेरे में आ गई। They must follow principles of openness, transparency and financial responsibility and be दरअसल चीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी BRI, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप की भूमि और समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जोड़कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट का भारत शुरू से ही विरोध करता रहा। 14 से 16 अक्टूबर के बीच बीजिंग में हुई यूएन की अहम बैठक में भारतीय राजनयिक प्रियंका सुहानी ने भी यही किया। लेकिन इस बार भारत ने चीन के प्रोजेक्ट BRI का चीन में ही घुसकर जोरदार विरोध जताया कि तभी भारतीय राजनयिक प्रियंका सुहानी का माइक बंद हो गया। यहां तक कि अगले वक्ता का वीडियो स्क्रीन पर शुरू हो गया, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव और चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री लियू झेनमिन ने रोक दिया। झेनमिन ने भारतीय राजनयिक और यहां भारतीय दूतावास में द्वितीय सचिव प्रियंका सुहानी से अपना भाषण जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने सभी स्पीकर से माफी मांगते हुए कहा, प्रिय प्रतिभागियों, हमें खेद है, हम कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे और अगले स्पीकर का वीडियो शुरू कर दिया, इसके लिए मुझे खेद है। उन्होंने प्रियंका सुहानी से अपना भाषण जारी रखने की अपील करते हुए कहा, आप भाग्यशाली हैं, आपका फिर से स्वागत है। माइक ठीक होने के बाद जब भारतीय राजनयिक प्रियंका सुहानी ने फिर से अपना भाषण शुरू किया, तो फिर एक बार चीन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और कहा, हम भौतिक संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आकांक्षा साझा करते हैं और हमारा मानना है कि ये समान और संतुलित तरीके से सभी के लिए व्यापक आर्थिक लाभ लेकर आएगा। इस सम्मेलन में BRI का कुछ जिक्र किया गया। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ तक चीन के BRI की बात है, हम इससे असमान रूप से प्रभावित हुए। तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC में इसे शामिल करना भारत की संप्रभुता में दखलंदाजी करना। कोई भी देश ऐसी किसी पहल का समर्थन नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मूल चिंताओं की अनदेखी करता। जिस वक्त भारतीय राजनयिक प्रियंका सुहानी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा रही थी, उनसे ठीक पहले पाकिस्तान के राजनयिक ने चीन के इस BRI प्रोजेक्ट की खूब तारीफ करते हुए इसे क्षेत्र के लिए निर्णायक बताया। तो वहीं भारत की ओर से की गई आलोचना के बाद चीन के परिवहन मंत्री ली शियोपेंग जब मंच पर आए, तो उन्होंने भारतीय राजनयिक के भाषण के दौरान माइक खराब होने के लिए माफी मांगी। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2013 में सत्ता में आने पर अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को बढ़ाना और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्ग के नेटवर्क के साथ जोड़ना। 60 अरब अमेरिकी डॉलर का CPEC, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। भारत इस BRI प्रोजेक्ट का इसलिए विरोध करता है क्योंकि BRI कश्मीर में बने चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर से होकर गुजरता है।